सूर्य प्रताप बापू के यहाँ। क्यों? तेरी सगाई पक्की करने। क्या कर रहे हो बापू आप? अपनी ही बेटी को एक ऐसे इंसान के साथ? बेटे और मैं क्या करूं? तेरी माँ की आखिरी निशानी ये घर, ये जानवर, किशन को शहर में पढ़ाने का खर्चा, इसके लिए किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा बेटे, किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा। बापू, बापू मेरी बात तो सुनो बापू। गिरधर कहाँ जा रहा है? तेरे ही हाथों तेरी ही बेटी को मौत के कुएं में डालने जा रहा है। पर और मैं क्या करूं? बेटी की कहीं ना कहीं तो शादी करनी पड़ेगी ना। यानी उसके अरमानों का गला घोटने में तैयार हुआ है तू? चला जा गिरधर, वापस चला जा। तेरी लड़की तेरी गांव के लड़के दीपक से प्यार करती है, तू उसके प्यार को मत मान। वापस चला जा गिरधर, भगवान पर भरोसा रख, वो बहुत दयालु है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अरे अरे पर कैल्शियम जेल मेरी भूरी को देने से मेरी भूरी दूध ज्यादा देगी? हाँ, मैं अभी ही मेरी भूरी भैंस को खिलाती हूँ। इस कैल्शियम जेल पर ही हमारा पूरा भरोसा है, हमको इस दुख से बाहर ले आना भगवान। हाँ,
बाबू देखो आज आज बुरी ने ज्यादा दूध दिया। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। हे भगवान, तू कितना दयालु है। सुखी बेटे, जो ये बुरी ऐसे ही रोज दूध देती रही तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बेटे भूरी, मेरी भूरी, अब इस घर की आबरू तेरे हाथ में है, मेरी लाज रखना। चल बेटे, मैं वो करसन चाचा को मिलकर आता हूँ। क्यों? बेटे उनका खेत है ना, उसका काम मिल सकता है। ये कुल्ला करके पहले उनसे मिलकर आता हूँ। अरे सुखी, ये क्या, इतना सारा दूध लेके कहाँ जा रही है? सोनल बेल, मैं डेयरी में दूध भरने जा रही हूँ। अरे वाह, तेरी बुरी कब से दूध देने लगी? जयश्री बहन, मेरे पास भैंस के दूध में बढ़ावा करे ऐसा यूनिम का असली कैल्शियम जेल आ गया है। ठहरो, मैं आपको दिखाती हूँ। सोनल बहन, जयश्री बहन, देखो ये है यूनिम का असली कैल्शियम जेल। इसको भैंस के दाने में डालने से दूध भी ज्यादा आता है और पैसे भी, समझे? चलो अब मुझे देर हो रही है। बापू, बापू थोड़ी दया कीजिए। बापू थोड़े दिनों की मोहलत दीजिए। बापू पाई पाई चुका दूंगा। बापू, बापू ये क्या कर रहे हो आप? बेटे, बापू अपनी बुरी भैंस और ये घर दोनों ले जा रहे हैं। देखो भाई गिरधर, भाई ये आपकी सुखी चाहे तो सब कुछ पहले जैसे एकदम ठीक ठाक हो जाए, ऐसा है? बापू मैं बात कर रही हूँ। पर बेटे, आप घर पे जाओ, मैं बात कर रही हूँ बापू से। आप घर पे जाओ बापू। सुखी, क्या सोच रही हो? मुनीम काका, मेरी जिंदगी का सवाल है, इसलिए मुझे थोड़ा समय तो चाहिए ही ना। दिया वक्त दिया। बोल बोल बोल, तुझे कितने दिन का वक्त चाहिए? कितने महीने का वक्त चाहिए? बोल ना, असमंजस में क्यों है? तीन चार महीने चाहिए, बस तीन चार महीने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सुखी, पर तो अपना पक्का ना है? शायद अगर तू बदल गई तो। जो मैं बदल गई ना, तो मेरा घर और पशु सब ले जाना। बराबर है, बराबर है, घर और मवेशी दोनों वापस। बराबर है, बराबर है। तो मैं जाऊं? जाओ जाओ। सुखी, तू मुझे करना मत दुखी। बापू, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तू चुप रह मुनीम, अपनी काली जुबान बंद रख, तेरी जुबान ही काली है, फिर सब काला काला ही बोलेगा ना। तू मुझे सुखी देखना चाहता है कि नहीं? मतलब तू मुझे सुखी के साथ देखना चाहता है कि नहीं? सुखी, वो बज गई। सुखी, बापू, बापूजी। आओ बेटे आओ। अरे हाँ, ये क्या है बेटा? ये लो बापूजी। अरे पूरे हैं। इतने सारे पैसे बेटे, बराबर गिन लिया है ना बेटा? डेयरी में से मिले बापूजी, ये वही रुपए हैं। हाँ अच्छा, अच्छा। हाँ बापूजी, अब हमारी सारी तकलीफें दूर होने जा रही है ना?
राम राम गिरधर भाई। राम राम। अरे सुखी, मुझे तेरा ही काम था। बापू तुझे याद कर रहे थे। तूने जो मुद्दत दी थी वो आजकल में पूरी हो रही है ना। मुझे याद है कि कल पाठशाला में यूनिम कैल्शियम जेल की मीटिंग है और सबके सामने मैं बापू को हार पहनाऊंगी। चाहिए बापू को मेरी तरफ से ये शुभ संदेशा दे दीजिए। ठीक है। सुखी बेटा, सुखी बेटा, ये तू क्या कह रही है? बापू के साथ शादी के लिए तूने ही ना कहा था और अब? मैंने ही ना बोला था ना। हाँ। अब मैं तैयार हूँ, यही ना। सब ठीक हो जाएगा, बस आप देखते रहिए। रामजनो, आज अपने गांव में यूनिम कैल्शियम जेल की मीटिंग है। इस कार्यक्रम के साथ साथ अपने गांव के सेठ बापू सूर्य प्रताप सिंह की सगाई भी होने वाली है और बापू के साथ शादी करने के लिए तैयार होने वाली वो भाग्यशाली कन्या और कोई नहीं लेकिन अपने ही गांव की गिरधर लाल की लड़की सुखी है। अब सुखी बापू को वरमाला पहनाएगी। प्रिय गांव वालों, मेरी सगाई की बात सुनके आपको अचरज हुआ होगा ना। पर क्या करूं, हमारे गांव के बापू ने मेरे साथ शर्त ही ऐसे रखी थी कि मैं लाचार थी। पर अब बापू की शर्त के मुताबिक मैं उनको हार पहना रही हूँ और मेरी शर्त पूरी कर रही हूँ। तालियां। बापू ये शर्त के मुताबिक बाकी के रुपए। ये 30,000 रुपये। हमारी शर्त क्या थी वो तो याद है ना, कि जो शादी करने की इच्छा ना हो तो बाकी के रुपए दे देना। बराबर? हाँ बराबर है, पर तो बाकी के रुपए। अब आपकी उम्र की कोई ठाकुरायन ढूंढ के जल्दी शादी कर लो। बापू निकाल दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। ग्रामजनों, आपकी हाजिरी में मेरी बेटी सुखी ने बापू के गले में हार पहनाया एक बुजुर्ग के तौर पर। है? गलत मत समझना, पिछले 50 साल से हमारा परिवार बापू के साथ पैसों का व्यवहार कर रहा है और ऐसे व्यवहार में हमेशा घाटे में पैसे देने वाला नहीं लेने वाला होता है। और हम पिछले 50 सालों से बापू को देते ही आ रहे हैं। जैसे भारत देश अंग्रेजों के शिकंजे में से आजाद हुआ, वैसे हम भी आज बापू सूर्य प्रताप सिंह के कर्ज में से मुक्त हुए हैं। और वो भी मेरी लड़की सुखी की होशियारी के कारण। होशियारी इसलिए कि मजबूरी में बापू के साथ शादी की शर्त और हमारे घर में चारों तरफ से मुसीबतों के बीच मेरी लड़की सुखी ने एक ऐसी जड़ी बूटी ढूंढ ली जिसके कारण आज हम समाज के सामने सिर उठा के चल सकते हैं। और वो जड़ी बूटी है कैल्शियम जेल। कैल्शियम जेल एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से मेरे जैसे बहुत से परिवारों को रोजी रोटी मिलती है। जिसके भी घर में कैल्शियम जेल होगा उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। बस मुझे तो इतना ही कहना है। तालियां।
वाह गिरधर वाह। ग्रामजनों, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सब सच बोलूंगा। बात कुछ ऐसी है कि उम्र के साथ साथ मेरे विचार भी कुछ बदल गए थे, पर आज इस सुखी की हिम्मत और होशियारी देखकर मुझे ऐसा मन होता है कि मुझे एक दुल्हे की तरह नहीं लेकिन एक बुजुर्ग की तरह व्यवहार करना चाहिए था। ग्रामजनों, अभी गिरधर भाई ने अपने भाषण में आपको कहा ना कि वो और उनका परिवार पिछले 50 सालों से हमारे यहां से पैसे उधार ले जा रहे हैं और उसका ब्याज भरते हैं, पर आज उनकी लड़की सुखी ने खुद की समझदारी से, होशियारी से यूनिम का कैल्शियम जेल इस्तेमाल किया और उस जड़ी बूटी के आधार से उसने ना सिर्फ अपने परिवार को पर स्वयं को भी डूबते बचाया है। ग्रामजनों, सच बोलूं तो आज मेरा दिल बाग बाग हो गया है। सुखी की ये समझदारी, चपलता, इस सब की कदर करते हुए मैं आप सबके सामने उनका ये 30 आखिरी कर्ज माफ करता हूं और बाकी का सभी कर्ज माफ करता हूं। ले ले सुखी बापू का मान रख, अब ले। अरे बापू, ओ, ओ, अरे यार। गिरधर भाई, चलो भाई हम लोग आगे चाहते हैं, हमें दूसरे गांव में उधारी वसूल करने जाना है। चलो बापू। ठीक है, जय माता जी, जय माता जी।